दिल्ली के दंगल में चुनाव प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है और आज इसमें बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंट्री ली है। नरेंद्र मोदी ने कई बातों का जिक्र किया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रही शाहीन बाग की। उन्होंने शाहीन बाग को लेकर अपने बयान में कहा है कि शाहीन बाग का प्रदर्शन एक संयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग है, इससे कहीं ना कहीं साजिश का पता चलता है। साथियों, सिलमपुर हो, जामिया हो या फिर शाहीन बाग, बीते कई दिनों से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर प्रदर्शन हुए। क्या ये प्रदर्शन सिर्फ एक संयोग है? जी नहीं, ये संयोग नहीं, ये एक प्रयोग है। इसके पीछे राजनीति का एक ऐसा डिजाइन है जो राष्ट्र के सौहार्द को खंडित करने के इरादे रखता है। ये सिर्फ एक कानून का विरोध होता तो सरकार के तमाम आश्वासनों के बाद ये समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस राजनीति का खेल खेल रहे हैं और वो सारी बातें अब उजागर हो चुकी है। संविधान और तिरंगे को सामने रखते हुए ज्ञान बांटा जा रहा है और असली साजिश से ध्यान हटाया जा रहा है। साथियों, हमारा संविधान ही देश की न्यायपालिका, हमारी अदालतों का आधार है। संविधान की भावना के अनुरूप ही न्यायालय चलते हैं, लोगों को इंसाफ देते हैं। समय समय पर अलग अलग केसों में अदालतों की, हमारे देश की सर्वोच्च अदालत की भावना यही रही है कि विरोध प्रदर्शनों से सामान्य मानवी को दिक्कत न हो, देश की संपत्ति का नाश न हो। प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी पर हमेशा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने अपनी नाराजगी जताई है, लेकिन ये लोग अदालतों की परवाह नहीं करते हैं। ये कोर्ट की बात ही नहीं मानते और बातें करते हैं संविधान की। जिस संविधान ने न्यायपालिका को बनाया और न्यायपालिका जो कह रही है उसको मानने को तैयार नहीं, और दुनिया को संविधान दिखा रहे। अब देखिए इस वजह से कितनी दिक्कत हो रही है। दिल्ली से नोएडा आने व जाने वाले लोगों को, दिल्ली की जनता इसे देख भी रही है, समझ भी रही है, वो चुप है, साइलेंट है और वोट बैंक की इस राजनीति को देखकर दिल्ली का नागरिक गुस्से में भी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंट्री ली तो उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला किया। पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर केजरीवाल के सवाल, लोकपाल, बाटला हाउस एनकाउंटर और आखिरी में सीए के खिलाफ शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन के मुद्दे को उठाया। पीएम ने दिल्ली के करकडूमा में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि शाहीन बाग में प्रदर्शन महज एक संयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग है। मोदी ने कहा है कि इसके पीछे एक ऐसी साजिश है जो राष्ट्र के सौहार्द को खंडित करने का इरादा रखती है। दिल्ली में 8 फरवरी को होने जा रहे मतदान से पहले लोगों की भारी भीड़ को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली में कभी लगातार आतंकी हमले होते थे, लेकिन अब ये हमले रुक गए। लेकिन आतंकी हमले के गुनहगारों को दिल्ली में जब पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया तो इसे फर्जी एनकाउंटर कहा गया। शाहीन बाग में प्रदर्शन का मुद्दा उठाते हुए पीएम ने कांग्रेस और आप पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि क्या ऐसे लोग दिल्ली में विकास के लिए सुरक्षित वातावरण दे सकते हैं? कतई नहीं दे सकते। पीएम ने कहा कि सीलमपुर हो, जामिया हो या फिर शाहीन बाग, बीते कुछ दिनों से सीए को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं।
क्या ये प्रदर्शन सिर्फ एक संयोग है? जी नहीं, ये संयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग है। इसके पीछे राजनीति का एक ऐसा डिजाइन है जो राष्ट्र के सौहार्द को खंडित करने का इरादा रखता है। ये सिर्फ एक कानून का विरोध होता तो सरकार के इतने आश्वासन के बाद खत्म हो जाता। दिल्ली की जनता को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि दिल्ली की जनता ये सब देख रही है और समझ रही है, वो चुपचाप है। दिल्ली से नोएडा आने जाने वाले लोग परेशान हैं। पीएम ने कहा कि इस मानसिकता को यही रोकना जरूरी है। अगर इनकी साजिश बढ़ी तो ये और गली और सड़क रोकेंगे। हम दिल्ली को इस अराजकता में नहीं झोंक सकते। इसे रोकने का काम सिर्फ दिल्ली के लोग वोट के जरिए ही कर सकते।